सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन। दोस्तों नमस्कार, हमारे YouTube चैनल LS टेक्नोलॉजी एजुकेशन पर आपका स्वागत है। और आइए आज हम बात करेंगे, जो स्क्रीन पे आप डिजाइन देख रहे हैं यहाँ पे, इसके बारे में, इसकी पूरी स्पेसिफिकेशन, जो हमारा होम डिजाइन है, साइज बताऊंगा, इसके अंदर के पार्टीशन में आपको दिखाऊंगा 3D व्यू में पूरे कंप्लीट, और इसकी पूरी डिटेलिंग में आपको बताऊंगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसका जो साइज क्या है, साइज के ऊपर बात करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ से फ्रंट से, इसकी जो फ्रंट है चौड़ाई है 20 फीट है विद वॉल, क्योंकि इसके अंदर हमने बाहरी दीवार को 9 इंच रखा है और जो अंदर की दीवारें हैं वो 4 इंच रखा है। और वॉल बेस्ड जो हमारा होम है, आप इसको कॉलम बेस्ड भी बना सकते हैं अगर आप चाहें तो, उसमें आपका थोड़ा सा, अगर आप कॉलम बेस्ड बनाएंगे तो स्पेस और निकल आएगा, क्योंकि जो दीवारें होती है 9 इंच बनती है और कॉलम बेस्ड के बाद आप 4 इंच दीवार एक्स्ट्रा निकाल सकते हैं कॉलम के बीच में। तो यहाँ से 20 है और जो इसकी लंबाई है वो है 45 फिट, यानी 20x45 में हमारा आज का डिजाइन है। यहाँ पे हमने दो फ्लोर बनाए हैं, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर। ऊपर हमने डेकोरेशन के लिए एक थोड़ा सा यहाँ पे सजावट के लिए ऊपर का जो पोर्शन कंप्लीट किया, या फिर ये कहें कि ये जो हमारी सीढ़ियाँ हैं इनको कवर अप करने के लिए हमने ऊपर का डिजाइन जो एक माउंट बनाया है ऊपर, वो इसलिए बनाया। तो यहाँ पे हम बात करेंगे तो जो डिजाइन है हमारा आज का, वो हमने एक रेंटल पर्पज के लिए डिजाइन किया है। यहाँ पे जो डिजाइन है इनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमने इसको रेंट पे देने के लिए डिजाइन किया, क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पे दो, एक एवरेज फैमिली यहाँ पे रह पाएंगी, जो ग्राउंड फ्लोर पे, ऊपर जो फर्स्ट फ्लोर पे रह पाएगी। तो चलिए मैं आपको यहाँ से पहले ग्राउंड फ्लोर का व्यू दिखा देता हूँ, क्या क्या हमने इसके अंदर बनाया है वो पूरी डिटेल में मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, जो ये हमारा मकान है सिटी में है, और इसमें जो दाएं बाएं और जो पीछे है यहाँ पे मकान बने हुए हैं, फ्रंट में रोड है। तो इसके अंदर हमने जो डिजाइन बनाया है वो मैं आपको चलिए दिखा देता हूँ यहाँ से। ये हमारा डिजाइन है, फ्रंट में दिखा देता हूँ सबसे पहले आपको। चलिए यहाँ से जैसे ही आपका यहाँ पे जो हमारा मेन गेट है 9 फिट का, यहाँ पे हमने गेट रखा है, यहाँ से आपकी जो पोर्च है यहाँ पे गाड़ी पार्क हो जाएगी। और जो ये ओपन स्पेस हमने रखा है, इसको हमने लगभग 17x9 फिट में, 9 फिट चौड़ाई और 17 फिट इसकी लंबाई है, ताकि यहाँ पे गाड़ी पार्क आपकी हो सके और यहाँ से अंदर जाने के लिए रास्ता भी बच जाए। तो यहाँ से जैसे ही आप अंदर जाएंगे, यहाँ सीढ़ियों से ऊपर के पोर्शन पे जा सकते हैं आप फर्स्ट फ्लोर पे। और यहाँ से जो हमारा मेन एंट्रेंस के बाद, यहाँ पे आप देखें, यहाँ से आपने क्या करना है, ये जो हमारा गेट है, ये हमारा लिविंग रूम का जो गेट है, यहाँ से आप अंदर तक जा पाएंगे। और ये आपका लिविंग रूम के बारे में बात कर लेते हैं, यहाँ पे आपका लिविंग रूम है, इसका साइज है यहाँ से ये भी लगभग 17x10 फिट में है हमारा, 16 फिट 10 इंच का है, लगभग 17 ही कहेंगे इसको, 17 फिट x10 फिट की चौड़ाई इसकी और 17 फिट लंबाई यहाँ पे लिविंग रूम आपका हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से बात करते हैं लिविंग रूम के साथ में, हमने यहाँ पे देखिए 8x5 में एक स्पेस रखा है, जो आप टॉयलेट बाथरूम के लिए यूज कर सकते हैं, वो मैं ऑप्शन बताऊंगा आपको कैसे यूज कर सकते हैं इसको। देखिए यहाँ से, चलिए मैं दोनों साइड से आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि हमने यहाँ पे किचन डिजाइन किया है, जो हमारा लिविंग जो पोर्च है, पोर्च के बिल्कुल बैक में यहाँ पे हमने किचन डिजाइन किया है। यहाँ पे ये भी 16 फिट है इसकी जो लंबाई है, और इसकी जो चौड़ाई है 9 फिट है। तो यहाँ पे किचन डिजाइन किया, आप अलग से भी किचन कर सकते हैं या फिर ओपन में, मैंने यहाँ पे ओपन रखा है। और यहाँ पे जो इसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं डिजाइन की, यहाँ पे हमने एक टॉयलेट बाथरूम का डिजाइन किया। तो यहाँ से देखिए, किचन के सामने बिल्कुल टॉयलेट अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने किचन का दरवाज़ा यहाँ से लिविंग रूम से कर दिया है, और जो बाथरूम है हमारा नहाने वगैरह के लिए, उसका दरवाज़ा हमने यहाँ से कर दिया, और बीच में हमने एक पार्टीशन दे दिया है। ये आपके ऊपर है कि आप इसको बिल्कुल कंबाइन रखना चाहते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। अगर आप सेपरेट कर सकते हैं, करना चाहते हैं, तो आप टॉयलेट का दरवाज़ा यहाँ से लगा सकते हैं लिविंग रूम की तरफ से, और जो बाथरूम है आप यहाँ से बिल्कुल जो हमारा यहाँ पे है डाइनिंग एरिया कह सकते हैं, इसके सामने से आप इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमने पीछे दो रूम रखे हैं, चलिए दो रूम के बारे में भी मैं आपको पूरी डिटेल में बता देता हूँ। यहाँ से पीछे का जो रूम है कॉर्नर वाला, ये यहाँ पे आपको जो ग्रीन सा कलर का, ब्लू कलर का बेड दिखाई दे रहा है, ये दोस्तों है 10x9 फिट में हमारा रूम है। यहाँ से हमने वेंटिलेशन के लिए ऊपर जो है रोशनदान रखा है, और भी बताऊंगा इसके बारे में। और यहाँ जो ये दो सेकंड रूम है हमारा, ये है 12x9 फिट में,
10x9 12x9 के हमारे पास दो रूम हो जाते हैं, और रूम के अंदर वेंटिलेशन के लिए हमने एक डक्ट रखा है 2x5 फीट में, ये यहाँ से ऊपर तक हमने इसको पूरा खुला रखा है ताकि यहाँ से हवा का फ्लो पूरे घर में बना रहे। ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं रखना चाहते तो इसको हटा सकते हैं, तो ये स्पेस यूज कर सकते हैं। और इसी स्पेस में से जो हमारा ये रूम है इसमें भी हमने एक विंडोज एडजस्ट कर दी है यहाँ से, ताकि यहाँ भी हवा का फ्लो पूरे घर में इसमें रूम में बना रहे। और जो बात करते हैं, क्योंकि पूरा घर बंद है तो यहाँ पे हमने चिमनी लगा दी है किचन के लिए, ताकि किचन से उठने वाली जो धुआं है, भाप है, वो सीधी डायरेक्टली ऊपर चली जाए दीवार के थ्रू, ऐसे दीवार में एक पाइप लग जाएगी जो यहाँ पे चिमनी हमने लगाई, तो यहाँ से ऊपर चला जाएगा। तो ये है हमारा जो है ग्राउंड फ्लोर का डिजाइन, और मैं आपको चलिए फर्स्ट फ्लोर का डिजाइन भी दिखा देता हूँ यहाँ से। तो दोस्तों देखिए, फर्स्ट फ्लोर के डिजाइन पे नीचे बस डिफरेंस ये है, नीचे हमारी जो है पोस्ट था या पार्किंग कह सकते हैं, और ऊपर हमने बिल्कुल लगभग सेम ही डिजाइन है, कोई ज्यादा चेंज नहीं हमने किया। तो बिल्कुल आप देख लें, नीचे का और ऊपर का सेम है, और सेम हमने इसलिए रखा है क्योंकि यहाँ पे दो फैमिली के लिए हमने डिजाइन किया है, तो एक फैमिली नीचे रह सकती है और उसके बाद दूसरी फैमिली ऊपर रह सकती है। यहाँ पे दो फैमिली, अगर आपके पास 20x45 का है, या 20x40 है, या फिर 20x50 है, या फिर 21x50 22x50, इतना भी डिजाइन है तो भी आप इस टाइप का एक मकान बना सकते हैं, उसको रेंट पे दे सकते हैं, तो ये भी आपके लिए एक आमद का जरिया हो सकता है। और यहाँ पे बात कर लेते हैं ऊपर के पार्टीशन की, जो हमने ऊपर जो यहाँ पे सेकंड फ्लोर पे हमने डिजाइन किया है। देखिए ये सिंपल, हमने कुछ ज्यादा नहीं किया यहाँ पे, हमने सिर्फ इसको जो हमारी सीढ़ियाँ हैं, एक तो ऊपर आने के लिए है, या फिर इनको बारिश वगैरह से कवर अप करने के लिए हमने इसको ऊपर का जो पोर्शन बनाया है। तो दोस्तों आज का जो हमारा डिजाइन था वो था 20x45 फीट में। तो जरूर हमें बताएं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं कि आपको हमारा डिजाइन कैसा लगा, या आपने जो भी हमारे डिजाइन देखे हैं वो आपको कैसे लगते हैं। अगर दोस्तों अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बाय रिक्वेस्ट आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर आप दबाएं, ताकि हमारे द्वारा डाले जाने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।